और बिलवेड प्राइम मिनिस्टर ही अनाउंस किया है 2030 और 80% ऑफ द रिसोर्सेज विल बी जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो द वे जैसे तरह से हमारा कार्बन एमिशन हो रहा है, जैसे तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अफेक्टिंग द सोसाइटी और फ्यूचर जनरेशन के लिए ठीक नहीं लग रहा है. तो इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ और इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी, हम लोग अभी ग्रीन रिसोर्सेज, ग्रीन बिजनेस यूजेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. तो टिल सच लास्ट ईयर ऑल्सो बैंक से ऐसा कुछ स्कीम नहीं था. सम हाउ वी आर हैविंग वन स्कीम एग्जिस्टिंग इन अवर बैंक, कैनरा बैंक, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महायोजना, जिसपे दो तरह से बैंक सपोर्ट करते हैं. एक पे होता है जो हाउस होल्ड और थोड़ा सा एग्रीकल्चर जो होता है जो कृषि क्षेत्र पे और क्लस्टर बेसिस पे, जिसपे हमारा सोलर पंप क्रिएट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमारा बैंक सपोर्ट करता है. स्कीम इज देयर एंड एक और स्कीम रहेगा जिसमें पावर ग्रिड को साथ डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट करके एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंसिंग होता है. देयर आर टू स्कीम्स. तो दो स्कीम का अंदर सबको अगर मन पे डिमांड होता है सर व्हाट अबाउट द सब्सिडी, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ. जो बड़ा प्रोजेक्ट वाला बात कर रहा हूँ जिसपे ग्रीड के साथ एसोसिएशन होता है, वो उस पर सब्सिडी अवेलेबल होता नहीं है. लेकिन जो हाउस होल्ड सेक्टर पे होता है, खास करके हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, उधर हमारा सब्सिडी स्कीम है जिसपे इंटायर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 30% एंड स्टेट गवर्नमेंट देता है 30%. 60% सब्सिडी अवेलेबल होता है और वो भी हमारा खास करके कृषि विभाग पे. और मान के चलिए ये अगर नॉर्थ ईस्ट रीजियन और हिमालय रीजियन पे होएगा, ये सब्सिडी बढ़ के 50% होएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, 80% का सब्सिडी को अरेंजमेंट होता है. ये गया सब्सिडी पर. नाउ अभी क्वेश्चन आता है कितना लोन मिलता है. तो एज फार एज जो बिगर प्रोजेक्ट जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं पावर ग्रिड को साथ अरेंजमेंट रहेगा, उसके अंदर एज सच कुछ लोन अमाउंट और प्रोजेक्ट अमाउंट का कुछ निर्धारित सीमा नहीं है. इट कैन गो टू द क्रोर्स, 3 crores, 5 crores वाली वैरायटीज. लेकिन द इंडस्ट्रियलिस्ट हु विल क्रिएट वन पावर जनरेशन प्लांट, इनको सर पावर डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होना चाहिए एंड साथ साथ हमारा बैंक को सर ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए. कहाँ होएगा वो, अपना लैंड भी हो सकते हैं और लीज लैंड भी हो सकते हैं. तो ये एंटरप्रेन्योर का इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ फाइनेंस. कम से कम 1 crore नेटवर्थ, 1 crore मतलब 1 crore नेटवर्थ होना चाहिए.